Welcome in our channel Market News. Please like and subscribe and press the bell icon for latest videos. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे TCS का जो रिजल्ट आया उस पर और पूरा चर्चा देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे और क्या क्या न्यूज़, बहुत सारा इसमें अपडेट निकल के सामने आया, तो सारे अपडेट पर चर्चा करेंगे और देखेंगे प्राइस पैटर्न क्या है और इसका टारगेट कितना सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले इसका जो रिजल्ट आया वो चेक करते हैं। देख सकते हैं जो मैंने PDF ओपन किया है, आज के दिन इसका रिजल्ट आया है Q2 का। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ टोटल इनकम की, टोटल इनकम यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा एक एक चीज़ करके कि देखिए यहाँ पे जो ये ईयर रहा है यानी सितंबर 30, 2020 में, यहाँ सितंबर 30, 2020 में यहाँ पे 69,969 था, लेकिन 94,110 रहा है। और जो सितंबर 30, 2020 में जो 3 मंथ का पीरियड जो एंड करता है उसके क्वार्टरली बेसिस पे देखे तो वहाँ पे देख सकते कि सितंबर 30, 2020 41,049 था, लेकिन यहाँ पे 47,978 है। ये दोस्तों जो 76,969 और 94,110 ये क्वार्टरली आंकड़ा है और सारे के सारे करोड़ में है। यहाँ देख सकते हैं कितना शानदार परफॉर्मेंस रहा है अगर हम 6 मंथ के हिसाब से देखें तो। और उसी तरह दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो हो गया टोटल इनकम की, और यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस भी मैं दिखाना चाहूँगा, एक्सपेंसेस कंपनी के किस तरह से बढ़े एक्सपेंसेस, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस बढ़ने का मतलब हमेशा निगेटिव न्यूज नहीं होता, क्योंकि एक्सपेंसेस तब भी बढ़ता है जब आप एक्सपेंशन करते हो। और जिस तरह से TCS ने एम्प्लॉय हायर किए और एक्सपैंड किया है, वर्ल्ड का एक लीडर बन के निकला है, उस हिसाब से इसके एक्सपेंशन बढ़ना लाजमी था। तो मैं आपका और भी जो मेन चीज़ है उस पर ले जाना चाहूँगा, इसमें जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड मैं वहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, प्रॉफिट जो है किस तरह का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो प्रॉफिट यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा मिडिल में ले आता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ देख सकते हो प्रॉफिट अगर सितंबर 30, 2020 की बात करें, पहले मैं 6 मंथ दिखा रहा हूँ, वहाँ पे 14,553 था, लेकिन अभी 18,684 है, 6 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर क्वार्टरली देखें YY देखें तब देखें 7,504 था पिछले साल इसी क्वार्टर में, इस साल 9,653 है। तो दोस्तों वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और अगर बात करेंगे दूसरे यहाँ पे, चलिए देखते डिविडेंड कितना दिया है तो उसके भी देख लेंगे। लेकिन रिवेन्यू की बात करें, रिवेन्यू जो सेगमेंट रिवेन्यू रहा है, तो रिवेन्यू में भी आप देख सकते हैं किस तरह के इसके आंकड़े, 78,457 था, यहाँ पे 92,278 है, लेकिन सितंबर 30, 2020 की बात करें तो 40,135 था, लेकिन यहाँ पे भी 46,867 है, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें और भी है कि इसमें जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं वो दिखाना चाहता हूँ, जो कि पिछली बार मतलब पिछले क्वार्टर में 21,773 से जो इस बार 26,381 है। तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और जो मैं मेनली दिखाता हूँ लोगों को और बोलता हूँ वो देखना चाहिए वो क्या है, तो वो है कैश फ्लो कैसा किसी कंपनी का, क्योंकि कैश फ्लो बहुत कुछ बोलता है उसका बिजनेस के बारे में। तो कैश फ्लो जो था आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में 5,169 करोड़ माइनस था, इस साल 9,151 करोड़ माइनस में है। तो कैश फ्लो उतना लेंड करके चल रहे हैं, लेकिन उतना मार्केट में सर्कुलेशन अभी भी बना हुआ है, तो हाई पे है,
लेकिन कैश फ्लो देखिए दोस्तों, अगर छोटी कंपनी है इतना ज़्यादा कैश फ्लो है, अगर निगेटिव में है तो चिंता की बात है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, इतना एसेट्स है, तो इतना लेंड करके चले तो कैश फ्लो इतना निगेटिव में भी रहे तो वो उसको हैंडल कर सकती है। तो बहुत ही अच्छा है कि इतना कैश फ्लो चल रहा है मार्केट में इनका, तो ये बताता है कि बिजनेस किस प्रकार का है। और यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें जो आपको ओवरऑल पॉजिटिव में दिख रहा है, तो वो वहाँ पे था जो मैं बता रहा हूँ वो क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग ऑफ द पीरियड, वो मैं आपको दिखा रहा था। और उसमें क्या था, नेट कैश जो यूज हो रहा है फाइनेंशियल एक्टिविटीज में वो निगेटिव था। और यहाँ पे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैं अब बता रहा हूँ वो क्या है, देख सकते हैं पिछली बार 6,000, पिछले क्वार्टर में जो 2020 का बता रहा हूँ वहाँ पे 6,344 करोड़ था, इस बार 5,195 करोड़ रहा है। तो यहाँ कैश फ्लो थोड़ा कम है लेकिन फिर भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। और यहाँ ये सब देख सकते हैं, हम हर परफॉर्मेंस पे मैंने आपको दिखाया, हर बेसिस पॉइंट पे इनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है मैं उस पर भी आपको दिखाना चाहूँगा, जो 6 मंथ का जो, और यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड, जो डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे देख सकते हैं 7 पर इक्विटी शेयर ऑफ जो है उसके हिसाब से, यहाँ देख सकते हैं मैं इसमें दिखाना चाहूँगा कि डायरेक्टर हैव डिक्लेयर एट सेकेंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹7 पर इक्विटी शेयर ऑफ 1 ईच ऑफ द कंपनी, यानी यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी ने इस कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं आपको, चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सारे जो अपडेट्स हैं वहाँ पे, यहाँ देखिए एक एक अपडेट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कॉरपोरेट टैक्स ने अप्रूव किया डिविडेंड का वो ₹7 पर शेयर का, तो इसका जो डेट रहेगा वो क्या था, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड शैल बी पेड ऑन वेडनेसडे नवंबर 3, यानी वेडनेसडे नवंबर 3 को, यहाँ देख सकते हैं वेडनेसडे नवंबर 3, 2021, तो इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी हुज नेम्स अपीयर ऑन द रजिस्टर, वो क्या होगा, डिपॉजिट बेनिफिशियल ओनर शेयर, जो ट्यूजडे रहेगा अक्टूबर 19, ये रिकॉर्ड डेट हो सकता है, वो रिकॉर्ड डेट जो फिक्स करेगा उसके आधार पे आपको नवंबर में डिविडेंड आपके अकाउंट में आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका डेट मिल गया, कितना डिविडेंड मिला, और मैंने इसमें रिजल्ट पूरा बता दिया है किस प्रकार के एक्सेस करके किस बेसिस पे, हर पॉइंट पे इसका बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों इसमें टेक्निकल्स देख लेते हैं, टेक्निकल्स में क्या है, यहाँ मैकडी पॉजिटिव दिखा रहा है, यहाँ बेंचमार्क इंडेक्स से RSI भी पॉजिटिव है, तो बिल्कुल आपको इस शेयर में बने रहना चाहिए। और यहाँ से अगर आप ऊपर के टारगेट सेट करेंगे तो आपको बिल्कुल जो हाई है, जो 1 मंथ का मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देख सकते, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका, हमेशा ग्रीन में दिख रहा है, यानी जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी की बात करें तो इसमें अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है विथ हाई वॉल्यूम। और यहाँ पे चलिए मैं प्राइस में दिखाऊँ तो 3935 का आज 1.1% का तेज़ी था, 1 मंथ का अगर हाई देखें 3990, तो यहाँ से पहला जो टारगेट आप सेट कर सकते हैं वो 3990 का, फिर आपको 4050 का टारगेट सेट कर सकते हैं, और वहाँ का भी अगर सस्टेन करता है तो आपके 4200 के भी लेवल आपको दिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, और भी चाहते हैं कि आपको और भी प्रॉफिटेबल शेयर्स के बारे में जानकारी मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। और आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, दोस्तों बिल्कुल फ्री चैनल है, मैंने आज ही उस पर IRCTC का शेयर किया था, उसमें वो बहुत ही अच्छा मुनाफा, जो भी लोग उससे जुड़े थे वहाँ उनसे अच्छा मुनाफा बुक किया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।